नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के जिंद में शनिवार को जिला स्तर गीता जयंती महोत्सव के समापन पर हरियाणा सोनीपत से भाजपा सांसद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यह कार्यक्रम 22 दिसंबर के दिन शुरू हुआ, जिसका कल समापन समारोह था। इस समापन समारोह पर हवन किया गया व गाजे बाजे के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा जयंती देवी मंदिर में शुरू होती और नगर के मुख्य मार्गों और चौकों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता की जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। जिला जिंद प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. हरीश वरिष्ठ ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों ने व मुख्य अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के समापन पर भाजपा सांसद रमेश कौशिक ने अधिकारी व कलाकारों को पुरस्कार वितरित किया व गीता के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारे देश में श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा की पावन धारा कुरुक्षेत्र में अपने पावन मुख से दिया था। गीता में ही सभी ग्रंथों का सार है व गीता में हर परेशानी का समस्या का समाधान है। गीता के अध्ययन से कम किसी प्रकार अपने जीवन को उत्तम बना करके धर्म की राह पर चल सकते हैं बतलाया गया है। हमें गीता को अवश्य अपने जीवन में धारण करना चाहिए। उत्सव मना जा रहा है, जयंती मनाई जा रही है इसी तरह से देश। और आज दो दिन से आपके जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हो और आपके सामने प्रोग्राम का आयोजन किया, आपने बहुत सारी स्थान बनाई और जिससे लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि हम क्या क्या काम हरियाणा सरकार कर रही है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हम बल्कि मैं भी जो विकसित यात्रा चालू की है उसमें से आया हूँ। दो दिन ड्रामा प्रोग्राम का सुबह ही था, जयंती या सोनीपत में था, तो आज ये महत्वपूर्ण है और सबने इसका अध्ययन करना चाहिए। गीता अध्ययन की बात जरूर करें। मैं यही निवेदन करता हूँ आप सबका, आप दो दिन से जो भाग ले रहे हैं, सारे अधिकारीगणों का जिस जिसने इसमें मेहनत की है, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।